हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज बात करेंगे हम अनचाहे गर्भ को हटाने के बारे में। तो इसके लिए अबॉर्शन किट, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट, एमटीपी किट, एमटीपिल, अनवांटेड किट आदि नामों से जानते हैं। और इस वीडियो में हम इस किट के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जैसे कि इस किट का कौन सा कंपोजिशन रहता है, किस तरीके से आप इसको मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं, क्या प्राइस इसकी रहती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इसके घातक साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, किन किन कंडीशंस में इसका उपयोग लिया जा सकता है, कौन सी वो फीमेल्स होती है जिनको ये दवाएँ प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, कितने महीने की प्रेगनेंसी को ये टर्मिनेट कर सकता है, कितनी डोज में इसे लेना चाहिए, इसके उपयोग क्या होते हैं, इस दवा के साथ और कौन सी दवाएं आपको दी जाती है, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह टैबलेट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग या डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही आपको लेना है। बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, गर्भपात करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। और प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए भारत सरकार द्वारा एक अलग से एक्ट बनाया गया है, जिसमें इस टैबलेट को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह के द्वारा लेने के लिए ही बोला गया है। यहाँ 5 टैबलेट का एक किट आता है, जिसमें एक बड़ी टैबलेट आती है और 4 छोटे टैबलेट आती है। बड़ी टैबलेट में जो दवा मिलाई गई है वह होती है मिफेप्रिस्टोल, और जो छोटी 4 टैबलेट होती है उसमें मिसोप्रिस्टोल नाम की दवाएं मिलाई जाती है। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो मिफेप्रिस्टोल जो बड़ी टैबलेट होती है यह 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आपको मिलती है, और जो छोटी टैबलेट होती है यह 200 माइक्रोग्राम MCG की स्ट्रेंथ में आपको मिलती है। यह जो स्ट्रेंथ होती है यह प्रति टैबलेट मैंने आपको बताई है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो यह अलग अलग ब्रांड द्वारा बनाई जाती है, जैसे MTP के नाम से आपको मिलती है, अनवांटेड 72 के किट के नाम से आपको मिल जाती है, साथ ही कई अन्य नामों से भी आपको मिल सकती है। तो ब्रांड टू ब्रांड सबकी प्राइजेस अलग अलग होती है। तो जो एवरेज प्राइस की अगर हम बात करें तो यह आपको 360 रुपये से 700 तक आपको कई सारे ब्रांड में अलग अलग प्राइजेस में आपको यह अवेलेबल हो सकती है। हालांकि कई सारे पेशेंट, कई सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अनवांटेड तरीके से या फिर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बहुत सारे लोग मेडिकल से इस टैबलेट को ख़रीदते हैं, जो कि बहुत इलीगल होता है, बहुत गलत तरीके से ये ख़रीदी जाती है। इसको नहीं ख़रीदना चाहिए और इसका उपयोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं करना चाहिए। उस समय ये टैबलेट आपको उसकी MRP से नहीं बल्कि उससे दुगनी MRP में आपको यह टैबलेट मिलती है। जो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उन साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर फीमेल्स को नौजिया, वोमिटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ये कुछ आम साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो फीमेल्स को हो सकते हैं। इन सब बिल्कुल नहीं घबराएं, ये थोड़े समय के बाद अपने आप सबसाइड हो जाते हैं, डिसअपियर ये हो जाते हैं। इसमें जो पेट दर्द और ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका संकेत यह होता है कि आपको ये टैबलेट्स असर कर रही हैं। और अगर ये साइड इफ़ेक्ट आपको बहुत ज़्यादा अगर परेशान कर रहे हैं या सीवियर स्टेज में ये आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, जिससे आपको उपचार दिया जा सके। आप जानते हैं किन किन कंडीशंस में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि यह प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट है, तो इसका उपयोग अबॉर्शन के लिए किया जाता है। उस समय जब किसी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, अनचाहा गर्भ उसको ठहर जाए, या फिर उसके पेट में जो फीटस है उसकी प्रॉपर ग्रोथ ना हो, या फिर उसमें कोई किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हो, या फिर कोई प्रॉब्लम हो, अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस अगर प्रेगनेंसी में हो जाए, तो डॉक्टर द्वारा प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए यह किट प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात करें कि ये कितने महीने तक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकता है, तो यह 8 हफ्ते से लेकर 9 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होती है, जिसे हम सामान्यतः 2 महीने की प्रेगनेंसी बोला जाता है, 2 मंथ प्रेगनेंट लेडी,
तो उसे यह अबॉर्ट कर सकता है। और यदि किसी महिला को 2 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो उस समय यह किट बिल्कुल काम नहीं करेगा। उस समय डॉक्टर किसी अन्य तरीके से या फिर जैसे कि DNC वगैरह या अन्य प्रोसीजर द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें कि कौन कौन सी फीमेल्स इस किट को नहीं ले सकती, किन किन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, तो उसमें वह महिला जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी का जो महिला के गर्भाशय में नहीं रहकर किसी अन्य जगह पर रहती है, तो उस समय इस किट का उपयोग नहीं लिया जाता है। साथ ही किसी फीमेल को हाई BP की प्रॉब्लम है, हाई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर है, तो उन फीमेल्स में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। अगर उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो, हार्मोनल डिजीज़ अगर किसी फीमेल को हो, तो वह फीमेल्स इनका उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि उन फीमेल्स में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब इसकी डोजेस के बारे में बात करें कि डॉक्टर द्वारा इसकी डोजेस कितनी दी जाती है और इस टैबलेट के साथ में क्या क्या दवाएँ दी जाती है, तो इस टैबलेट का यूज़ ओरली तथा वेजाइनली दोनों रूट से किया जा सकता है। मतलब इसको मुंह से पानी की सहायता से और वेजाइनली यानी कि वेजाइना में रखकर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हालांकि इसकी डोज फिक्स्ड होती है, जैसे कि किट में हमने बात की थी 5 टैबलेट्स आती है इसमें, एक सबसे बड़ी और 4 छोटी टैबलेट्स होती है, जो मेफेप्रिस्टोन की टैबलेट है। यह एक खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, और जब मेफेप्रिस्टोन की टैबलेट आपने ली है तो उसके एक्यूरेट 12 आवर्स के बाद आपको एक छोटी टैबलेट आपको लेने की सलाह दी जाती है, और जब एक छोटी टैबलेट आपने ले ली है तो उसके 1 घंटे के बाद में आपको एक और छोटी टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, और यह दोनों टैबलेट खाने के बाद ली जाती है। जब आपने ये तीसरी टैबलेट ले ली है तो नेक्स्ट डोज जो रहती है वो 24 घंटे के बाद ली जाती है, और जब ये दोनों टैबलेट ली जाती है तो ये दोनों भी 1-1 घंटे के अंतराल पर ली जाती है। और इसमें जो मेफेप्रिस्टोन बड़ी वाली जो टैबलेट होती है इसको ऑरली लेने की सलाह दी जाती है, और जो छोटी टैबलेट होती है तो हो सकता है कोई डॉक्टर्स आपको वेजाइनली रखने की आपको सलाह दे सकते हैं या कोई खाने की सलाह दे सकते हैं, तो दोनों ही स्थिति में यह सही वर्क करती है। और जब यह टैबलेट फीमेल को दी जाती है तो फीमेल्स में पेट दर्द होना और ब्लीडिंग होना, वेजाइनल ब्लीडिंग होना बहुत ही ज़्यादा आम प्रॉब्लम होती है। जब ये दोनों इंडिकेशंस होते हैं तो इसका मतलब होता है कि सही तरीके से परफॉर्म कर रही है, सही तरीके से अपना वर्क कर रही है। और जब फीमेल्स को पेट दर्द होता है तो उसको रोकने के लिए एक फीमेल्स को एडिशनल मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि महिला का पेट दर्द सही हो सके, जैसे कि डाइसाइक्लोमिन, पैरासिटामोल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है, या डोट्रावीन या डाइसाइक्लोमिन अकेली टैबलेट इसे दिया जा सकता है। और ज़्यादातर जो ब्रांड दी जाती है वो मेफ्टोस्पास दी जाती है। यह जो पेट दर्द की जो टैबलेट होती है यह फीमेल्स को पेट दर्द होता है उसकी शिकायत को दूर करती है। अगर किसी फीमेल को यह टैबलेट लेने के 2 हफ्ते बाद भी वेजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही हो तो उस समय आप अपने डॉक्टर को बताएं और डॉक्टर से सलाह लें और इसका उचित ट्रीटमेंट आप लें, या फिर ट्रेनेक्सिमिक एसिड टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उसे आप लें, जिससे कि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। और यह टैबलेट लेने के बाद भी अगर फीमेल्स की कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है तो उसका मतलब यह है कि उसका जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट तरीके से नहीं हुआ है, वो कोई पीस फीटस का उसके अंदर रह गया है, तो उसके लिए कुछ मेडिकल प्रोसीजर जैसे DNC वगैरह करते हैं और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। इस किट को लेने के बाद फीमेल को जो पेट दर्द होता है यह सामान्य तरीके के पेट दर्द से सामान्य 4 दिन बाद यह सही हो जाता है, और जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है यह 1 से 2 दिन में रुक जाती है। इसका मतलब ये है कि जो आपका अबॉर्शन है वो सामान्य तरीके से हो गया है, अब आपको किसी प्रकार की प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। अगर बात करें ब्रेस्ट फीड वाली मदर की, तो ब्रेस्ट फीड वाली मदर भी इस टैबलेट को ले सकती है, बट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको यह लेनी है। और इस टैबलेट को लेने के बाद नेक्स्ट पीरियड आपके 20 से 40 दिन के बाद आपके नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।